प्रिय छात्राओं स्वस्थ रहो। आज हम विशेषण पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर रामायण हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा कही गई है। इसके 6 कांड हैं। तो ऊपर वाक्यों में धार्मिक, मर्यादा, पुरुषोत्तम एवं 6 क्रमशः पुस्तक राम और कांड के विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए यह विशेषण शब्द है। एक खास बात और, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य के नाम से जाना जाता है। जैसे कि धार्मिक पुस्तक, तो पुस्तक कैसी है? धार्मिक, तो धार्मिक हो गया विशेषण शब्द। लेकिन धार्मिक किसकी विशेषता बता रहा है? तो पुस्तक की। तो यहाँ पुस्तक शब्द जो है वो विशेष्य कहलाएगा। अब हम विशेषण के भेद देखेंगे। तो विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए इसका पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर नटखट बालक झूला झूल रहा है, तो बालक कैसा है? नटखट। तो यहाँ नटखट गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो फूल कैसे हैं? सुंदर। तो फूलों की विशेषता है कि वह सुंदर है, तो गुणवाचक विशेषण हुआ सुंदर। तीसरा उदाहरण है वरुण दयालु लड़का है, तो लड़का है, लड़का कैसा है? तो दयालु, तो यहाँ दया का गुण उसके अंदर है। गुण संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित रूपों में भी हो सकती है, जैसे गुण सरल, दयालु ईमानदार, दोष दुष्ट पापी, रंग रूप में सुंदर लाल, आकार में भारी बड़ा, अवस्था कमजोर गरीब, स्थिति भीतरी बाहर, देश काल मलयाली प्राचीन ऐतिहासिक, स्वाद मीठा खट्टा कड़वा, गंध खुशबूदार सुगंधित, दिशा पूर्वी उत्तरी, स्पर्श कठोर नरम। इसका दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 4 खरगोश गाजर खा रहे हैं, तो कितने खरगोश गाजर खा रहे हैं? 4। पहलवान 10 केले खा गया, पहलवान कितने केले खा गया? 10। तो यहाँ 4 और 10 संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रिका 9वीं कक्षा में पढ़ती है, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो यहाँ 9वीं और 100 रुपए द्वारा निश्चित संख्या का पता चलता है। दूसरा प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे शाश्वत के पास कुछ पुस्तकें हैं, तो यहाँ कितनी पुस्तकें हैं? कुछ पुस्तकें हैं, निश्चित नहीं है कि 5 पुस्तकें कि 7 पुस्तक है, अतः अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण, सेठ नारायण दास के पास बहुत पैसा है, पैसा कैसा? बहुत, तो बहुत पैसा तो है, यहाँ पर बताया नहीं कि करोड़ है कि लाख है, तो यहाँ पर बहुत जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की मापतौल, मात्रा आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें, माँ को बाजार से सब्जियां और फल लाने थे। उन्होंने दुकानदार से कहा, मुझे 1 किलो आम, 3 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर और थोड़ी मिर्च दे दो। तो इन वाक्यों में 1 किलो, 3 किलो, 500 ग्राम और थोड़ी सी, ये शब्द क्रमशः आम, आलू, टमाटर और मिर्ची की मात्रा बताते हैं।
क्वांटिटी बताते हैं, इसलिए ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष्यों के निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, दर्जी ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, मुझे 2 लीटर दूध देना। तो यहाँ 5 मीटर कपड़ा निश्चित, उसने नाप बता दिया कि 5 मीटर कपड़ा खरीदा है, मुझे 2 लीटर दूध देना। तो कितना दूध की मात्रा? 2 लीटर। तो यहाँ 2 लीटर और 5 मीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसका दूसरा प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष्यों के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, पिताजी बहुत थोड़ा खाते हैं, तो खाने की मात्रा कितनी? थोड़ी। तो यहाँ निश्चित नहीं है कि 2 ही रोटी खाई कि 4 रोटी खाई, बिल्कुल बता रहे हैं कि थोड़ा सा खाते हैं। तो थोड़ा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। दूसरा उदाहरण, पंडित जी को पूजा शुरू किए कुछ समय ही हुआ है, बताया नहीं कि 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, बोल रहे हैं कि कुछ समय हुआ है। तो यहाँ कुछ जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसका चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। यदि सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो वह सर्वनाम कहलाता है, परंतु जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले उनकी विशेषता बताने के लिए हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण, यह बिल्ली चूहे की तलाश में है, तो यहाँ संज्ञा शब्द हुआ बिल्ली। अब बिल्ली से पहले आया है यह सर्वनाम, तो यह जो शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। दूसरा उदाहरण है, इस पुस्तक की कहानियां बड़ी रोचक थी, तो पुस्तक हो गई संज्ञा, पुस्तक से पहले आया है इस, तो इस जो है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तीसरा उदाहरण, कोई आदमी दरवाजे पर है, आदमी आपकी संज्ञा हो गई और उससे पहले आया कोई, तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई जो है वो सार्वनामिक विशेषण होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो वे सर्वनाम कहलाते हैं, परंतु जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले उनकी विशेषता बताने के लिए हो तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, सर्वनाम का उदाहरण दूं तो यह पुस्तक मेरी है, और सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा यह मेरा घर है, तो यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से दरवाजे पर कौन है सर्वनाम हुआ, और कौन आदमी दरवाजे पर आया है, तो यहाँ कौन जो है आदमी से पहले है तो सार्वनामिक विशेषण होगा। आशा है आपको यहाँ पर विशेषण, विशेषण के प्रकार समझ में आ गए होंगे, साथ ही विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, ये भी आपने जान लिया। इससे संबंधित प्रश्न असाइनमेंट में आपको दिए जाएंगे, आप याद करें, लिखें, हमेशा खुश रहें।